Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल तो जी स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची कच्छीगल अंजलि ब्लॉग में सुबह का टाइम है यहाँ पर जो बेड वगैरह है वो मैं बनाऊंगी तो इस समय कब का उठ गई हूँ मेरा चाय नाश्ता भी हो चुका है भगवान की पूजा है वो भी मैंने कर ली है छोटा मोटा जो काम हो चुका है इसके बाद जो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले बेडरूम को ही मैं ठीक करती हूँ इस तरीके से जो बेड को बना देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा कमरा है वो ठीक हो चुका है तो कंबल वगैरह सारी चीजें ऐसे पड़ी रहती है तो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता तो सबसे पहले इन्हीं चीजों को मैं संभालती हूँ समेटती हूँ ताकि फटाफट से जो सारा काम है वो अरेंज हो जाए और घर के रोज के कामों के साथ कभी कभार मैं डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ तो आज मुझे पूरे जो कपड़े हैं इसको अच्छी तरीके से कब्बट को पूरा क्लीन करना है डीप क्लीन करना है नीचे की तरफ जो सारा कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है इसको सबको मुझे हटाना है तो ये बेड है इसको मैंने बना दिया है साइड में यहाँ पर टेबल इसको भी अच्छी तरीके से मैं अरेंज कर लेती हूँ वहाँ पर एक छोटा सा मैंने पोर्ट रखा हुआ है इसको मैंने पूरा अच्छे से अरेंज कर दी अब बारी आती है डीप क्लीन करने की तो ये वाला कब्बट है जहाँ मैं रोज़ के कपड़े रखती हूँ इतना पूरा जो भर चुका है क्योंकि जो सर्दियाँ चालू थी तो फिर सारे स्वेटर वगैरह मैंने निकाले थे तो फिलहाल के लिए सारे स्वेटर है मैं इसको बेड के अंदर रख दूंगी एक या दो स्वेटर है वही मैं बाहर की तरफ रखूँगी क्योंकि आजकल बहुत ही ठंड कम हो चुकी है तो ये कब्बट पूरा भर चुका है और नीचे का तो इतना बेसी हो चुका है इसको पूरा मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करना है तो सारी चीज़ों को मैं एक के बाद एक बाहर की तरफ निकाल रही हूँ और जो कपड़े मैं नहीं पहनने वाली इसको मैं निकाल दूंगी और जो अच्छी कंडीशन में होते हैं इसको मैं किसी को दे देती हूँ और जो ऐसे है कि पहनने लायक नहीं है इसको मैं फेंक देती हूँ तो इतने सारे कपड़े जब भी मैं सफाई करती हूँ तो निकाल देती हूँ जो मैं नहीं पहनती हूँ ऐसे ही जो कपड़े पड़े रहते हैं तो पूरा कमर भरा भरा सा लगता है इससे अच्छा है कि जब भी कुछ मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए इसको मैं निकाल ही देती हूँ और ऊपर की तरफ कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा था बस ऐसे मैं ऊपर चढ़ गई थी क्या ही कर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था तो फिर चेयर लेने जाने की मुझे आलस आ गई तो ऐसे ही मैं ऊपर चढ़ गई थी तो पूरी चीज़ें इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया और जो सारे कपड़े इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया काफ़ी हद तक इसके अंदर स्पेस हो चुकी और ये सबसे नीचे का है जो इसको मुझे पूरा डीप क्लीन करना है अच्छी तरीके से अरेंज करना है तो आप देख सकते कितने सारे जो कपड़े फैले पड़े और जो नीचे की तरफ सारे कपड़े मैंने रखे हुए वो मैं नहीं पहनने वाली हूँ मैं किसी को दे दूँगी जो ख़राब है इसको मैं फेंक दूँगी तो बस पहले से ही मैंने अलग अलग कर कर रखा है मैं देख कर यहाँ पर रख रही थी जो पहनने वाले है इसको मैंने बेड पर रखा है और जो नहीं पहनने वाले इसको मैंने नीचे की तरफ रख दिया है और ये वाले जो दो टॉप है वो भी मैंने निकाल दिए और ये वाली जो जीन्स की कुर्ती है इसके अंदर से मैं स्कर्ट बनाने वाली हूँ सिलवाऊंगी मैं नहीं बनाऊंगी मैं सिलवाऊंगी वैसे मुझे आता है सिलाई करना लेकिन मैं करती नहीं हूँ और ये लास्ट जो नीचे वाला है उसको पूरा अच्छे से मुझे डीप क्लीन करना है तो सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाला उसके बाद अच्छी तरीके से कपड़े से पूरा मैंने क्लीन कर दिया साफ कर दिया ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए तो ऐसे ही घर के काम को इजी एंड प्रैक्टिकल तरीके से मैं रूटीन में करती हूँ ताकि जो घर का काम है वो भी हो जाए और डीप क्लीनिंग का जो मैंने काम निकाला है वो भी मैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से निपटा लू तो इसी तरीके से थोड़ी सी जो हैबिट है हमारे चेंज कर कर जो घर का काम निपटाते हैं तो बिल्कुल भी हम पर काम का ज़्यादा बर्डन नहीं रहता बस ऐसे ही छोटी छोटी हैबिट हमारे खुद से अंदर हमें खुद से ही सुधारनी होती तो फटाफट से जो घर का काम हम अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो बैग है गर्म कपड़े का ही भरा है इसको मैं रख दूँगी बेड के अंदर क्योंकि फिलहाल के लिए बहुत ही कम हो चुकी है ठंड रात के टाइम कभी कभार चाहिए होता और सुबह के टाइम चाहिए होता दोपहर को बिल्कुल भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बस ये वाला जो बेड है इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा बना दूंगी और ये वाला एक टी शर्ट है गर्म वो बाहर की तरफ ही रह गया तो बस इसको फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ऊपर रख देती हूँ और बेड को बंद कर दूंगी और ये वाली बेडशीट आज मुझे चेंज नहीं करनी तो बस ऐसे ही अच्छे से मैं उसको फिट कर कर लगा दूंगी वैसे तो मैंने अभी फ़िलहाल ही किया था बेड को अच्छे से बनाया था लेकिन जो बेड को खोला था तो इसकी बेड ऐसे ही हो चुकी है सरवटे वाले तो इसको मैंने दोबारा से अच्छे से ठीक कर लिए इसके बाद ये सारे जो कपड़े नीचे की तरफ मैंने रखे मैं एक भी पहनने वाली नहीं इसको मैं किसी को दे दूँगी तो जब भी मैं सफाई करती हूँ डीप क्लिनिंग करती हूँ तो जो चीज़ें मुझे यूज़ में नहीं आती इसको मैं निकाल ही देती हूँ इस तरीके से हम घर को निक्लचर भी रख सकते हैं अगर जो चीज़ें नहीं निकालते तो पूरा घर ऐसे भर जाता है हमें वैसे पता है कि काम में नहीं आने वाली फिर भी हम संभाल कर रखते तो फिर पूरा घर भर जाता है इसी तरीके से और ये पूरा मुझे कब्बट को साफ़ करते करते दो घंटे जितना ऊपर समय हो चुका था लेकिन वीडियो में ऐसा लगता है जैसे फटाफट -पत से सारा हो गया तो उसके बाद जो है बारी आती है झाड़ू लगाने की तो वैसे सोफा भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया था लिविंग रूम के अंदर उसके बाद पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू लगा दिए इसके बाद फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था पूरे दिन भी ये सीधा मैं दूसरे दिन रात की क्लीपे खाने की तैयारी कर रहे क्योंकि मैं बहुत ही थक गई थी उसके अगले दिन भी मैंने जो बड़ा वाला ब्लैंकेट इसको वॉश किया था उसके दूसरे दिन ये वाला पूरा कब्ब को साफ़ किया क्लीन किया तो फिर थोड़ा बहुत मेरे हाथों में भी मुझे दर्द हो रहा था इसीलिए मैंने कुछ भी फिर शूट नहीं किया था पूरा दिन फिर बस ऐसे ही जो रूटीन का काम था वो तो किया लेकिन मैंने सूट नहीं किया था और दूसरे दिन सुबह भी मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था शाम के टाइम जो खाने की तैयारी कर रही तभी मैंने जो वीडियो है स्टार्ट किया हुआ है या पर आटा है वो भी मैंने गुथ लिया और जो एक्स्ट्रा सारे बर्तन है इसको मैंने साइड में रखा है हाथ के हाथ ही जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं इसको वॉश कर दूंगी बस इसी तरीके से मैं जो सारा काम निपटाती हूँ तो फटाफट से मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ इसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी एक प्याज है इसको मैं कट कर लूँगी और एक हरी मिर्च है इसको मैंने छोटी छोटी कट कर लिया तो आज दही है इसको मुझे तड़का देना है तड़के वाला दही बहुत ही अच्छा लगता है खाने में टेस्टी लगता है तो इसको मैं लास्ट में बनाऊंगी यहाँ पर खिचड़ी है इसको भी मैंने तीन चार बार अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लिया है इसके अंदर पानी डाल दिया है नमक डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और आज थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा भी डाला है बस अच्छे से उसको बंद कर कर सीटियाँ लगा दूँगी ताकि खिचड़ी भी हो जाए और साइड में अभी मुझे रोटी भी बनानी है तो रोटियाँ बना दूंगी और लास्ट में जो दही है इसका मैं तड़का दूंगी तो फटाफट से मेरे हाथ चल रहे हैं क्योंकि मेरे हसम अभी घर आएंगे तो हम खाना खा लेंगे इसके बाद हमें जाना है सर्कस देखने के लिए तो हमारे भूज सिटी में गोल्डन सर्कस आया हुआ है तो वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं तो फटाफट से जो घर का काम है वो मैं निपटा दूंगी इसके बाद फटाफट से मैं तैयार हो जाऊंगी और फिर हम निकलेंगे तो रोटियां गर्मा गर्म मैंने बना लिए मेरे हसबंध भी आ चुके हैं तो बस वही दूध लेकर आया तो इसको मैं एक साइड गर्म होने के लिए रख दूंगी और एक साइड जो दही का तड़का देना है वो दे दूंगी और फिर जो बैठ कर खाना खा लेंगे यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखा है इसके अंदर मैंने डाला है राई जीरा चुटकी पर हींग डाली है इसके बाद हल्दी का पाउडर थोड़ा ही डाला है ज्यादा नहीं डालना है इसके बाद कटे हुए हरी मिर्च और ओनियन है वो डाल दिया ओनियन और मिर्ची जो डाली उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ज़्यादा ओनियन को नहीं पकाना उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो डाल दी आपके पास फ्रेश है तो वही डाले आज मुझे थोड़ी सी आलस आ गई थी मुझे देर भी हो रही थी इसलिए तैयार वाली पेस्ट है वो मैंने डाल दी उसके बाद ड्राई मसाले हैं धनिया का पाउडर लाल मिर्च का पाउडर वो डाला है इसके बाद जो दही है घर पर जमा हुआ वो मैंने डाल दिया तो ये दही गाय का है मेरे घर पर ही जमा है आप कोई भी दही ले सकते हैं बाहर का भी आप ले सकते हैं लेकिन घर का जमा हुआ दही होता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो फटाफट से खाना खा लेती इसके बाद सीधे मैं आप लोगों को मिलती हूँ भूज गोल्डन सर्कस में तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं तो आप देख सकते हैं अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन हम फटाफट घर से निकले थे हमें लग रहा था कि शायद से वहाँ पर शुरू हो जाएगा सो लेकिन बस जस्ट अभी शो शुरू होने वाला ही है सब लोग अंदर जा रहे है तो बस हम लोग भी अंदर आ चुके और ये है गोल्डन सर्कस मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं यहाँ पर सर्कस भी पूरा हो चुका है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नए वीडियो में तब तक बाय बाय